चुनाव घोषणा पत्र के बारे में कहा जाता है कि ये कागजों का वो पुलिंदा है जिसे ना कोई पढ़ता है और ना ही कोई गंभीरता से लेता है, खुद उस पार्टी के लोग भी नहीं जिनका वो मैनिफेस्टो होता है। फिर भी चुनाव से पहले रसम अदायगी के लिए कुछ पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। 27 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नव कर्नाटक घोषणा पत्र जारी किया था, तो उसके एक हफ्ते बाद मतदान से महज 8 दिन पहले बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा में भले ही काफी फर्क हो, लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों दलों के मैनिफेस्टो में 7 वादे एक जैसे हैं। किसानों, युवा और महिलाओं को लुभाने के लिए कोई लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने की बात कह रहा है, तो कोई कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को आधे दाम पर स्कूटी देने की। कर्नाटक में बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा अलग, वायदे एक जैसे। दोनों दलों के कम 7 वायदे एक समान। किसानों और युवाओं को लुभाने पर दोनों का जोर। महिलाओं को लुभाने के लिए तोहफों की बरसात। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी कर्नाटक चुनाव के लिए किसानों, युवाओं और महिलाओं को लुभाने वाले घोषणा पत्र पेश किया है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों ही दलों के घोषणा पत्र में कम से कम 7 मुद्दे ऐसे हैं जिनमें एक जैसे वादे किए गए। केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है, तो पिछले हफ्ते कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में इसी का जिक्र किया और अब बीजेपी ने भी यही वादा दोहराया। कांग्रेस ने कर्ज माफी का तो ऐलान नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी से किसानों को कर्ज माफी पर सवाल पूछ रहे थे। अब बीजेपी के घोषणा पत्र में फसली कर्ज माफी का जिक्र है। कांग्रेस जहां कर्नाटक के युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देने का वादा कर रही है, वहीं बीजेपी गरीब महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने की बात कर रही है। बीजेपी ने मास्टर कार्ड खेलते हुए किसानों से ऋण माफी का वादा करते हुए उन्हें लुभाने की कोशिश की है। पार्टी के घोषणा पत्र में 1,00,000 रुपए तक के लोन को माफ करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागत का 1.5 गुना सुनिश्चित करने का भी वादा किया गया। सिंचाई योजनाओं के लिए 1,50,000 करोड़ रुपए के आवंटन की बात भी कही गई है। उधर कांग्रेस के घोषणा पत्र से ऋण माफी गायब है। पार्टी ने राज्य में 10 एग्रो क्लाइमेट जोन्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एग्रीकल्चरल कॉरिडोर बनाने का वादा किया है। इसके जरिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों में उत्पाद बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। राज्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देते हुए खेती को 100% कीटनाशक मुक्त करने की भी बात कही गई। कांग्रेस ने हर साल 15 से 20 लाख और 5 साल में 1 करोड़ नौकरी के मौके बनाने का वादा किया, जबकि बीजेपी के घोषणा पत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने से जुड़ा कोई वादा नहीं है। हालांकि पार्टी ने सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए कन्नड़ भाषा के प्रयोग को सुनिश्चित कराने का वादा किया। कांग्रेस ने स्किल यूनिवर्सिटी और हर तालुके में ग्रामीण विकास और स्वरोजगार शिक्षण संस्थान बनाने का वादा किया। बीजेपी ने गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन देने का वादा किया, साथ ही छात्रों के लिए लैपटॉप की घोषणा की। वहीं कांग्रेस ने कॉलेज के छात्रों को स्मार्टफोन और 12 साल के बच्चों की स्कूली शिक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया। बीजेपी ने गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों को डिग्री कोर्स के लिए 3 लाख और इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए 5,00,000 रुपए का लोन बिना ब्याज देने का वादा किया। बीजेपी ने जहां अपने घोषणा पत्र में SC ST OBC BPL छात्रों के लिए JEE कैट KPSC और UPSC परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्पेशल कोचिंग सेंटर बनाने का वादा किया, वहीं कांग्रेस ने OBC वर्ग के छात्रों के लिए एजुकेशन एप्लीकेशन फीस में 75% की राहत देने का वादा किया। कांग्रेस ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लक्ष्य के साथ कर्नाटक को कुपोषण मुक्त करने का वादा किया। सरकार की ओर से लागू आरोग्य भाग योजना का विस्तार करने के अलावा महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत महिलाओं को बच्चों की उम्र 2 साल होने तक लाभ देने का वादा किया। बीजेपी ने सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की योजना शुरू करने का वादा किया। BPL कार्ड धारकों को मुफ्त में खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने और APL कार्ड धारकों को कम दाम पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का वादा किया। कांग्रेस ने आज कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से जारी घोषणा पत्र को जुमला फेस्टो करार दिया और कहा कि जनता झूठ के इस पुलिंदे पर विश्वास नहीं करने वाली। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक में भाजपा का घोषणा पत्र 2014 के मोदी के घोषणा पत्र और येदी रेड्डी के 2018 के घोषणा पत्र का मिश्रण है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि ये जुमला फेस्टो है और झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा, न वचन की कीमत, न शब्दों पर यकीन, हारी हुई भाजपा की खिसकती जमीन। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र 0+0=0 है।
2014 के मोदी फेस्टो और 2018 के येड्डी रेड्डी फेस्टो की कॉपी, जीरो कॉपी, वो है कर्नाटक की भाजपा का मैनिफेस्टो। वो इसे बोलते हैं वचन पत्र, है ये जुमला फेस्टो, मोदी जी की तरह झूठ और जुमलों पर आधारित। उन भारतीय जनता पार्टी के वचन पर अब किसी को विश्वास नहीं रहा। ये मैनिफेस्टो सिर्फ येड्डी रेड्डी के अच्छे दिन लाने के लिए लाया गया है, कर्नाटका की जनता के विनाश के लिए लाया गया है। भाजपा का मैनिफेस्टो सिर्फ 3C, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म कर्नाटका में लाएगा, बल्कि कर्नाटका के लोग भाजपा को दरकिनारे करेंगे, नकारेंगे, क्योंकि कर्नाटका सिर्फ सुख, शांति, उन्नति और प्रगति के लिए के कदमों पर चलना चाहता है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले लैपटॉप देकर युवाओं को लुभाने की कोशिश की थी, अब दूसरी पार्टियां भी इसकी नकल करने में लगी हुई हैं। अब देखना यह है कि कर्नाटक की जनता बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएल ने किन की बातों पर एतबार कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार।